सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। आज इनके क्षेत्र डकरा में सीसीएल कोल इंडिया का 46वां स्थापना दिवस के अवसर पर महाप्रबंधक संजय कुमार ने झंडोत्तोलन कर समारोह का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के संबोधन में महाप्रबंधक ने क्षेत्र के कोयला उत्पादन लक्ष्य 50 लाख टन को सभी कर्मचारियों, विस्थापित ग्रामीणों, सभी स्टॉक होल्डर के सहयोग से हासिल करने का भरोसा जतलाया। कोल इंडिया का स्थापना काल 1975 से देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, ये बातें कही। कोल इंडिया लाखों लोगों को नौकरी व रोजगार उपलब्ध कराकर देश के सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि में सहायक रहा। इस दौरान भावेश कुमार राठौर, संजय कुमार शर्मा, दिवाकर साहू, सुनील कुमार सिंह, डीपी सिंह, शैलेश कुमार सहित काफी संख्या में गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। कलारी से विजय प्रसाद की रिपोर्ट। आप जाते हैं हर जगह जहाँ पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ पर जहाँ लेबोरेटरी या बाथरूम बनाया हुआ है, वहाँ पर देखते हैं कि उसकी व्यवस्था ठीक नहीं रहती है और पब्लिक भी कंसस नहीं रहता है। तो जब वॉल पेंटिंग देखेंगे तो उन्हें ये सजगता मिलेगी कि हमें इसको मेंटेन रखना है और यूज भी करना है। ये दोनों इसका व्यू को निर्देशित करता है। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है जो हमारे सीसीएल में हेडक्वार्टर से इसकी निर्देश मिला था और इनके क्षेत्र इसका अनुपालन कर रहा है और हर ऑफिसेज में वॉल पेंटिंग जहाँ पर कि स्वच्छता के बारे में दिखाया जाएगा पिक्चर में और लोग उसको देखकर सजग रहें और स्वच्छ बनाएं अपने परिवेश को, अपने घरों को। तो अभी आपके बारे में क्या कहना चाहूँगी, आज का दिन हमारे स्थापना सीसीएल का स्थापना दिवस है, आज का दिन बहुत अच्छा है, हम लोग सीसीएल का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस दिन पे हमें आज मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है स्पीच कॉम्पिटिशन पे सतर्कता जागरूकता अभियान के तहत। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सीसीएल परिवार के साथ जुड़कर और इस सुंदर दिन पे मुझे आज पुरस्कृत किया गया है, फर्स्ट प्राइज मिला, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा मैम, यहाँ पे आप किस विभाग में डिप्यूट है आप? मैं सेंट्रल हॉस्पिटल डकरा में स्टाफ नर्स हूँ, वहाँ पे मैं कार्यरत हूँ अभी। उसमें मैंने करप्शन के पोस्टर बनाया था। हमारे देश में बहुत सारे करप्शन होते हैं जिसमें कोई भी काम अगर हमें करवाना हो जल्दी तो उसको रिश्वत दे दीजिए या फिर करप्शन के तहत हमारा काम जल्दी हो सकता है, लेकिन ये गलत बात है। हमें करप्शन को मिटाना होगा, हमें ईमानदारी और सच्चाई के साथ सारे काम करने चाहिए, इसीलिए करप्शन से हमारे देश का विकास कभी नहीं हो सकता, इसीलिए हमें करप्शन से मना करना चाहिए हमेशा। और अगर हम किसी व्यक्ति को देख रहे हैं कि करप्शन कर रहा है तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, इसके करप्शन से हमारे देश का विकास कभी नहीं हो सकता, इसीलिए करप्शन को मना कीजिए। शैलेश कुमार जी, मैं NCOC2 का एरिया सेक्रेटरी हूँ। कोल इंडिया का स्थापना दिवस पर हमारा यूनियन NCOC2 पूरे NK क्षेत्र के तमाम मजदूरों, अधिकारियों, कर्मचारियों सभी को विशेष बधाई देता है। हम लोग कोल इंडिया की स्थापना दिवस इसलिए मनाते हैं कि 1 नवंबर 1975 को कोल इंडिया का स्थापना हुआ था और कोल इंडिया आज हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के तमाम देशों में सबसे अग्रणी कोयला निकालने वाली कंपनी है। हम लोग सभी उम्मीद करते हैं कि यह सरकारी तंत्र की कंपनी, यह पब्लिक सेक्टर की कंपनी पूरे मजबूती के साथ हिंदुस्तान में जितने कोयला का रिक्वायरमेंट्स है फुलफिल करे। हमारे सारे श्रमिक, हमारे सारे ट्रेड यूनियंस,
हमारे सारे अधिकारी, सारे स्टेक होल्डर्स, सभी लोग इसमें लग करके और कोल इंडिया के उत्पादन में पूरा सहयोग करें। देश के विकास के लिए कोयला एक महत्वपूर्ण ऊर्जा है और इस ऊर्जा में सारे लोगों की भागीदारी मजबूती से आगे बढ़े, हम लोग सभी उम्मीद करते हैं और आश्वासन भी देना चाहते हैं कोल इंडस्ट्री को कि हमारा ट्रेड यूनियन सभी को पूरा सहयोग करेगा। हमारे सारे श्रमिक देश में कोयला उत्पादन के लिए पूरा सहयोग करेगा। इसी तरह से प्रबंधन हमेशा मजदूरों के हित के भी ध्यान रखे। अच्छा लगा, कुछ लोगों को प्रमोशन दिया गया, कुछ लोगों को पारितोषिक दिया गया, इसीलिए मजदूरों को प्रमोट करें, हम लोग सभी सहयोग करेंगे। आज कोल इंडिया 40वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 1 नवंबर 1975 को कोल इंडिया का स्थापना हुआ था और इस 40 वर्ष में कोल इंडिया का देश के विकास में बहुत ही बड़ा योगदान है। आज देश में 80% जो बल्ब जलता है वो कोल इंडिया के सहयोग के द्वारा ही जल रहा है और कोयला ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। आज कोल इंडिया जहां देश के विकास के साथ साथ रोजगार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भी उपलब्ध करा रहा है, साथ ही अपने जो कर्मचारियों हैं उनके भविष्य के लिए भी बहुत ही अच्छा अच्छा स्कीम लाया जा रहा है जिसके कि उनके भविष्य भी सुदृढ़ हो। मैं आज इस कोल इंडिया के पावन अवसर पर, स्थापना दिवस के पावन अवसर पर अपने समस्त कोयला श्रमिकों, रैयत, ग्रामीण, विस्थापित और कोयलांचल की जनता को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। धन्यवाद। मुख्य कार्यालय पर आज कोल इंडिया का 46वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 46 साल पहले 1 नवंबर 1975 को इसका स्थापना किया गया था। तब से कोल इंडिया बहुत ही समस्याओं से गुजरते हुए आज अपने अग्रसर है, मिनी रत्न से महारत्न हो चुका है और इसका भविष्य बहुत अच्छा है। कोयला जो है हमारा देश का सबसे बड़ा मुख्य स्रोत है, क्योंकि कोयले से ही काफ़ी एनर्जेटिक है। 80% कोयला हमारे कोल इंडिया ही निकालती है देश में। इस कोयला से हमारे बहुत से लोगों का रोजगार, श्रमिक, अधिकारी, तमाम बेरोजगार तमाम लोग इससे जुड़े हुए हैं और कोयला मुख्य एनर्जी है। और आज के इस शुभ पावन मेला पर मैं तमाम कोयलांचल क्षेत्र के कोल इंडिया के कामगार साथियों, जो 3.5 लाख के आसपास काम करते हैं, उनसे जुड़े उनके परिवार लोग हैं, तमाम लोग जो हैं इससे जी रहे हैं। आज इस शुभ अवसर पर मैं तमाम कोयलांचल क्षेत्र के कामगार साथियों, अधिकारियों, श्रमिक प्रतिनिधियों, विस्थापितों, ग्रामीण मंत्रियों, क्षेत्र के लोगों, तमाम लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कोल इंडिया का स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं कोल इंडिया, तमाम कोल इंडिया परिवार को, अधिकारी, कर्मचारी, ग्रामीण, स्टेक होल्डर और विस्थापित, आउटसोर्सिंग में काम करने वाले तथा कोल इंडिया से हर तरह के संपर्क रूप मने रखने वाले को आज मैं कोल इंडिया की ओर से बधाई देना चाहता हूँ। साथ साथ देश के तमाम नागरिक को कोल इंडिया के प्रति एक ज़रूर मैसेज देना चाहूँगा कि आज कोल इंडिया के बदौलत आज सुदूर इलाके में भी आज रोशनी देने का काम अगर कोई किया है तो कोल इंडिया किया है। और देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने वाला एक कोल इंडिया ही एक संस्था है जो कि देश को विकास में ऊर्जा देने का काम, कल कारखाना चलता है कोल इंडिया के बदौलत, गांव ग्रामीण हर जगह आज रोशनी उजाला है तो कोल इंडिया के चलते। तो मैं देश के तमाम साथियों, तमाम नागरिक को ये ज़रूर करना चाहूँगा कि वो कोल इंडिया के प्रति अपने आशीर्वाद जरूर वो भी ये करें कि कोल इंडिया फले फूले, बढ़े।